हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनबॉक्स द ब्यूटी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ग्लैमिगो के सब्सक्रिप्शन बॉक्स के बारे में। तो जो इस वक्त का बॉक्स है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर दो लिपस्टिक आई हैं। तो आपका समय न बर्बाद करते हुए चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ग्लैमिगो का जो बॉक्स है वो अब एक पॉलीथीन के अंदर आता था और उसके अंदर बॉक्स जो है वो प्रेजेंट होता था, बट इस बार थोड़ा डिफरेंट है। इस बार ये इस तरीके के कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर आया है जो कि खाकी रंग का है। तो इसके अंदर जो है बॉक्स प्रेजेंट है। तो अगर मैं बॉक्स को निकालती हूँ तो ये बॉक्स कुछ जो है वो इस तरीके से है। देखिए काफ़ी ज़्यादा ही प्यारा है और उस पर कैट वगैरह बनी हुई है। ये फिल्मी भी, तो ये फिल्मी एडिशन है एक तरीके से। तो ये ग्लैमिगो का बॉक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कलर अट्रैक्टिव है और इसकी मतलब प्रिंट की बात करें तो वो भी बहुत ही अच्छा है। आप इसे खोलेंगे तो पाएंगे चारों तरफ इसमें कैटी कैट बनी हुई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद जो है आपको इसमें कुछ इनवॉइस मिलेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन बुकलेट मतलब इन्फॉर्मेशन के कार्ड है। तो ये नंबर बॉक्स है ग्लैमिगो का जिसमें आपको वेला की लिपस्टिक मिलेगी 549 की, ब्यूटीफाई लिपस्टिक मिलेगी 400 की, क्रोना केयर का स्क्रब मिलेगा 460 रुपीज़ का और लास्ट है पता नहीं, और नेचुरल्स का ये फेशियल मिस्ट है 150 का। कुछ कोटेशन है इसमें जैसे तुम नहीं समझोगे रमेश बाबू, फेस को स्क्रब की कितनी ज़रूरत होती है ग्लो वगैरह के लिए, मतलब वो है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं उसे। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन के लिए है आपको, उससे आपको 300 रुपये की सॉरी 3000 रुपये की लिपस्टिक मिल सकती है। एंड देन ये एक बुकलेट बोले या इन्फो बोले क्या है, तो ये क्रोना केयर का है जिसमें आपको 20% ऑफ मिलेगा। पीछे इसके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहें तो उसे भी पढ़ सकते हैं। देन मैं आपको दिखाती हूँ लिपस्टिक के बारे में। तो ये जो है ये बेला की लिपस्टिक है, एक ब्यूटीफाई की लिपस्टिक है, तो ये इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा बॉक्स है। तो मैं आपको दिखाती हूँ बेला की लिपस्टिक। तो इसकी मतलब पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत प्रीमियम लुक देती है। और अगर बुलेट की बात करूँ इसकी तो काफ़ी बड़ी है और ब्रोकन भी नहीं है, तो देखने में काफ़ी अच्छी है। अगर स्वेच की बात करूँ तो देखिए इस तरीके का है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर है और ये मतलब एकदम इंस्टेंट आपको ब्राइटन अप करता है आपकी स्किन को। तो ये मीडियम टू फेयर स्किन के लिए काफ़ी अच्छा कलर है और आई होप कि आपको पसंद आए, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। उसके बाद ब्यूटीफाई की अगर बात करूँ तो पैकेजिंग भी ठीक ठाक है, मतलब काफ़ी अच्छी नहीं है, काफ़ी हल्की है, लाइट वेट है। और इसकी बुलेट की बात करूँ तो बुलेट भी ज़्यादा अच्छी सी नहीं है, मतलब देखने में अजीब सी है, थोड़ा बहुत अजीब है, मैं मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है, बेला की कंपेरिजन में अलग है। इसका स्वेच करती हूँ तो इसका कलर जो है काफ़ी अच्छा है, इसका भी कलर काफ़ी अच्छा है, दोनों ही लिपस्टिक के कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और स्टिंग पावर की बात करूँ तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ओवरऑल में बात करूँ तो मुझे ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद आई है, इनके कलर भी अच्छे हैं। उसके बाद जो है ये क्रोना केयर का पॉलिश द ब्लेमिश फेस स्क्रब है जिसके अंदर सल्फेट, मिनरल ऑयल, पैराबिन, सिलिकॉन और फ्रेग्रेंस फ्री हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, टोटली नेचुरल है, तो ये आपके ऊपर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेगा। और देखने में ये काफ़ी अच्छी सी अट्रैक्टिव पैकिंग है और कॉस्ट भी इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई है। ओवरऑल मैं बात करूँ तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया, मैं इसे जरूर यूज़ करूँगी। उसके बाद जो है ये फेशियल मिस्ट है, तो ये लास्ट का नेचुरल फेशियल मिस्ट है कुकुम्बर मिंट का। तो ये टोनर है और मिस्ट की तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। एक्चुअली मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ और ये काफ़ी अच्छा टोनर है। ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा है और इसका मैं फेशियल मिस्ट में अभी है इसलिए मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊंगी, वैसे तो ये काफ़ी अच्छा, मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ। ओवरऑल मैं बात करूँ आपसे ग्लैमिगो के बॉक्स के बारे में तो ये बहुत ही अच्छा बॉक्स है। इसके अंदर मतलब सारा का ही सारा सामान जो है बहुत अच्छा है। अगर स्क्रब आप यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी अच्छी ब्रांड का स्क्रब है। लिपस्टिक के कलर अच्छे हैं और क्वालिटी अच्छी है और ये इसकी मतलब स्टेइंग पावर जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आसानी से हट नहीं रही है। और मैं जो है मैं पहले ही यूज़ कर चुकी हूँ तो उसके बारे में तो मैं कुछ बोलूँ ही नहीं क्योंकि मैं यूज़ कर चुकी हूँ, काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, समर्स में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओवरऑल मैं बात करूँ तो मुझे ये ग्लैमिगो का बॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आई होप कि ये बॉक्स जो है आपको ही पसंद आए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। आप सभी ने इतना कीमती समय दिया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।